दोस्तों ये है एसी सप्लाई पर चलने वाला डूरबेल। दोस्तों यह सिर्फ एसी सप्लाई पर चलता है, इसमें डीसी यानी कि बैटरी से चलाने की सुविधा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एसी सप्लाई पर चलाने वाले डूरबेल को डीसी सप्लाई पर चलाने वाला डूरबेल बनाएंगे, यानी कि दोस्तों हम इस डूरबेल को एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से, हर तरह के इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहो डट के, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल आइडिया होता है जरा हट के। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एसी सप्लाई पर चलने वाला डूरबेल को आपको पहले अपने स्विच बोर्ड में लगाकर आपको दिखाते हैं कि यह एसी सप्लाई पर ही चलता है। तो आपने देखा दोस्तों हमारा जो डूरबेल है वह एसी सप्लाई पर चलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी से चलने वाला डूरबेल बनाएंगे इसे और इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों कि आप बैटरी से कैसे इसे चला सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का एसी पर चलने वाला डूरबेल है तो आप भी उसे बैटरी से चलने वाला डूरबेल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा डूरबेल है उसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद दोस्तों इसका जो सर्किट है उसमें आप देखिएगा एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा इस पर इस तरह से। तो दोस्तों क्या होता है कि इसका जो सप्लाई होता है एसी का वह डीसी में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो कैपेसिटर है तो वहाँ पर जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर का है तो आप देख सकते हैं इस तरह कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, यहाँ पर मार्क दिया गया है माइनस का, और इस तरफ इसका प्लस पॉइंट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं माइनस का यहां पर मार्क है, तो इस तरफ आपको बैटरी का माइनस पॉइंट जोड़ना है और दूसरी तरफ आपको बैटरी का प्लस पॉइंट जोड़ना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके दोनों पॉइंट पे आपको प्लस और माइनस बैटरी का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करना है हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो एसी सप्लाई वाला वायर है उसे इस तरह से निकाल लेते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो अब इसके बाद हम दो वायर लेंगे दोस्तों और बैटरी का जो प्लस वाली है उसे हम कैपेसिटर के प्लस के साथ जोड़ेंगे और जो माइनस है दोस्तों उसे हम माइनस के साथ जोड़ेंगे। तो दोस्तों हम इसमें बीच में एक वायर लगाएंगे जिसमें हम स्विच के जरिए इसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों इस तरफ कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं इस तरफ से करेंगे तो इसका जो लेफ्ट साइड में है वह प्लस होगा कैपेसिटर का, और जो राइट साइड में है दोस्तों वह इसका माइनस होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर लेंगे और बैटरी का जो माइनस वाली पॉइंट है दोस्तों उसे हम यहां पर सोल्डिंग कर देंगे एक वायर, और इस वायर को दोस्तों हम क्या करेंगे सी के जो माइनस वाली पॉइंट है वहां पर हम जोड़ देंगे, और दूसरे वाले वायर को दोस्तों हम उसमें स्विच का कनेक्शन करेंगे तो उसको लिए हम क्या करेंगे दो वायर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बैटरी का माइनस वाली वायर है उसे हम कैपेसिटर के माइनस वाली पॉइंट में जोड़ दिया है। अब इसके बाद एक वायर और लेंगे जिससे हम कैपेसिटर के प्लस वाली पॉइंट में जोड़ देते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम बैटरी के प्लस पॉइंट में एक वायर जोड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वायर को अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो जो हमारा डूरबेल है वह वर्क करेगा। दोस्तों इस तरह से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं और इसे एसी पर चलने वाला डूरबेल को आप डीसी पर चलने वाला डूरबेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सर्किट है दोस्तों उसे यहाँ पर इसका जो नट है उसे लगा लेते हैं, और ये बैटरी को दोस्तों इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे। दोस्तों अगर आपके डूरबेल के अंदर बैटरी नहीं आ रहा हो तो आप इसको बाहर में भी इसके बाहर में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें हम स्विच लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर टू वे स्विच यूज करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप टू वे स्विच ही यूज करें, आप इसका जो बेल स्विच आता है उसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट देंगे और नीचे या ऊपर में किसी में हम एक पॉइंट देंगे और इसे ऑन करेंगे, तो दोस्तों हमारा जो डूरबेल है वह वर्क करेगा। दोस्तों आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो वायर की लंबाई है जहाँ पर आप इसका कनेक्शन करेंगे उस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डूरबेल है वह इस तरह से बैटरी से भी वर्क करने लग गया है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने एसी वाले डूरबेल को डीसी वाले बना सकते। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।